अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रिलेटिव का वर्ड हम लोग जब भी केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसके मीनिंग होते हैं कि कंपैरिजन करके किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो एक किलोग्राम वेजिटेबल्स के लिए जो सब्ज़ी फ्रोश है वो आपको 1 kg आयरन वेट से सब्ज़ी को मेजर करके देता है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स के केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ हुआ है वो आयरन वेट है, जो 1 kg है। क्या हम लोग किसी एटम के मास को मेजर करने के लिए 1 kg यूनिट यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम 1 kg यूनिट्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 kg आपके पास काफ़ी बड़े यूनिट्स हैं और एटम जो है, जो हमें नेकेड आई से नज़र ही नहीं आ रहा, जिसका साइज़ बहुत स्मॉल है, तो उसका मास भी काफ़ी कम होगा। तो किसी भी एटम का मास मालूम करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी स्मॉल यूनिट होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट के मास को मालूम करने के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो भी आपके पास कोई एलिमेंट ही होना चाहिए। यहाँ पे जो हमने एलिमेंट यूज़ किया है वो कार्बन 12 है। अब हम लोग कार्बन 12 को ही क्यों यूज़ करते हैं? कार्बन आपके पास 3 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेकिन कार्बन 12 जो है ये आपके पास स्टेबल आइसोटोप है। सेकंड, कार्बन 12 जो है नेचर में काफ़ी अबंडेंस में पाया जाता है। कार्बन 12 को कार्बन 12 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मास नंबर 12 है। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है? 6 है। अब यहाँ पे आपको एक वेट बैलेंस शो किया हुआ है, जिसमें 2 कार्बन के मैसेज को शो किया हुआ है और ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं। देखिए, एक कार्बन जो है उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो 12 इक्वल पार्ट्स हैं इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, यानी एक मास जो कार्बन एटम है वो कितने यूनिट्स के इक्वल होता है? 12 यूनिट्स के इक्वल होता है। अब ये जो 12 यूनिट्स हैं इसको हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मालूम करना है तो बैलेंस में एक साइड पे ऑक्सीजन रखते हैं एटम और दूसरी साइड पे हम कार्बन 12 यूनिट्स रखेंगे। तो अभी भी जो पिक में आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन हैवी इन वेट है, तो हमें कार्बन के मज़ीद यूनिट्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। कार्बन के जब 4 यूनिट ऐड करते हैं तो ये बैलेंस में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है वो कार्बन के 16 यूनिट्स के बराबर है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास निकला वो कितना निकला है? 16 निकला है। सोडियम के केस में जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास निकल रहा है वो 23 निकल रहा है। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है वो कार्बन के 14 यूनिट्स के इक्वल है। तो नाइट्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकला उसकी वैल्यू कितनी है? 14 है। यानी इस तरीके से ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं कार्बन 12 यूनिट्स के साथ। जिस तरह मास को मेजर करने के लिए केजी, ग्राम्स वगैरह के यूनिट यूज़ किए जाते हैं, इसी तरीके से किसी भी एटम का मास मालूम करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं वो आपके पास AMU है। और 1 AMU आपके पास किसके इक्वल होते हैं? 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन के। अब इसका क्या मतलब है? कार्बन के आपने चूँकि 12 पार्ट्स किए थे, 12 यूनिट्स बनाए थे, तो उसमें से हर एक यूनिट जो है वो 1 AMU के इक्वल है। तो इसीलिए लिखा है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के। और ये 1 AMU जो है ये आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए।